हाय गाइस, पेट लवर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। विंटर टाइम में जैसा कि आपको पता ही है कि ब्रीडिंग सीज़न तो अच्छा होता ही होता है, और साथ में जो बर्ड्स के मतलब चिक्स होते हैं वो भी जो है ना बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरह से निकलते हैं और अच्छे भी रहते हैं। बट आपको पता है ठंडी की वजह से इनको काफ़ी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, इसीलिए जो है ना इनको थोड़ा सा सर्वाइव करने में मुश्किल होता है। अगर आप हल्की सी भी चूक करते हो या थोड़ा सा भी जो है ना आप इनको इग्नोर करते हो तो जो है ना होता क्या है कि ये सब के सब बीमार हो सकते हैं, और बीमार होने की वजह से ये जो है ना मर जाते हैं। आपको चाहिए ये कि आप जो है ना इनको थोड़ा सा समझ लें। अभी आप जैसा कि देख रहे हैं 2-3 न्यू बेबीज़ हैं जो कि निकले हुए हैं और एकदम शांति के साथ बैठे हुए हैं। ऐसा आपको एक इधर भी दिखाते हैं हम, ये देखिएगा, ये इस तरह से जो है ना जब आपके बर्ड्स बैठे हों, खास करके बेबीज़ बैठे हों, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचें कि ये जो है ना बीमार हो चुके हैं पूरी तरह से। विंटर टाइम में होता क्या है कि बर्ड्स जो है ना, जो हमारे बर्ड्स होते हैं वो एक तो मटकी में रहते हैं या बॉक्सेस में रहते हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर कुछ और होता है, लेकिन वो जैसे ही बाहर आते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर उनको कुछ और मिलता है। और इस वजह से होता क्या है कि ये जो है जल्दी से उस टेम्परेचर को हैंडल नहीं कर पाते, इनको हैंडल करने में कुछ टाइम लगता है। अगर बहुत ज़्यादा ठंडी है, मतलब गलन वाली ठंडी हो रही है, तो आपको चाहिए ये कि आप सबसे पहले क्या करें कि कॉलोनी के अंदर हीटर या बल्ब का इंतज़ाम करें, जिससे कि आपके बर्ड्स को जो है ना एक्स्ट्रा हीट मिल सके। और जब आपके बर्ड्स को एक्स्ट्रा हीट मिलेगी तो जो है ना, अगर इस तरह से सुस्त बैठे हुए हैं तो आपको कुछ नहीं करना, एक दिन देखना है, दो दिन देखना है, बस आपको चेक ये करना है कि उनको प्रॉपर मोशन ना आए। और अभी मैं इसको हाथ लगाऊंगा तो ये भाग जाएगा उठ करके, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए है ना। तो ये बीमार नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना टेम्परेचर जो है ना हैंडल नहीं कर पा रहा है, इस वजह से इसके साथ में ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर आप इनको एक्स्ट्रा हीट नहीं दोगे, मतलब इनको बल्ब नहीं दोगे या इनको हीटर नहीं दोगे, तो होगा क्या कि ये जो है ना फिर से ज़्यादा बीमार हो सकते हैं, और ज़्यादा बीमार होने के बाद में जो है ना इनको दिक्कत भी हो सकती है। तो जिनके यहाँ अभी नई ब्रीड निकल रही है, नए बेबीज आ रहे हैं, वो इस बात का ध्यान रखें। और जब ज़्यादा गलन हो रही होती है तो हमें इनको देना ही पड़ता है, वरना बहुत सारी यार दिक्कतें हो जाती हैं इनके साथ में। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं सारे के सारे जो बर्ड्स हैं वो थोड़ा सा डाउन पड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा ठंडा था, और फिर मैंने अभी जैसा कि आपको बताया सुबह के टाइम में हमने क्या किया, इनको पानी दिया थोड़ा सा गर्म, और उसके अंदर फीवर की एक मेडिसिन डाल दी ताकि जो है ना इनको थोड़ी सी राहत मिले और जो ठंडा है वो इनके ऊपर हावी ना हो पाए। एंड गाइज, ये थी एक बहुत छोटी सी वीडियो, कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।